नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। 1 मई यानी आज मजदूर दिवस होता है, लेकिन लॉकडाउन के इस दौर में आज लाखों मजदूर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। दरअसल इस माहौल में ना तो मजदूरों के पास रोजगार है और ना ही कमाई का कोई ऐसा जरिया जिसकी मदद से ये लोग अपना घर चला सकें। मगर इन सब के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मजदूर दिवस पर मजदूरों को सौगात दी है। राज्य सरकार ने 30 लाख मजदूरों को भत्ते की किश्त जारी की है। साथ ही आज मई दिवस के मौके पर राशन देने की दूसरी किश्त की भी शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार ने निर्माण श्रमिकों, रोज कमाने वाले ठेला, खोमचा, रेड़ी, रिक्शा, ई रिक्शा, कुली, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 16 श्रेणी के कामगारों, धोबी, मिस्त्री, मोची, नाई, कुम्हार, राजमिस्त्री आदि के लिए भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक ऐसे 30 लाख निर्माण श्रमिकों के साथ अन्य सभी श्रमिकों को ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज हम एक बार फिर से अपने 30 लाख श्रमिक वर्गों को दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। सीएम योगी ने आगे कहा कि आज हम उत्तर प्रदेश के 18 करोड़ लोगों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी कामगार या श्रमिक अगर देश में किसी भी हिस्से में रहता है और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है तो उसके माध्यम से वहां के कोटे की दुकान से भी वो अपना राशन ले सकता है। वाकई अगर इस तरह के कदम छोटे वर्ग के लोगों के लिए ऐसे दौर में उठाए जाएंगे तो उनकी जिंदगी का सूनापन खत्म होगा। अब देखना होगा कि इस तरह से आने वाले समय में और कितने लोगों को फायदा मिलता है। धन्यवाद।